नमस्कार, स्वागत है आपका जेलित ऑफिशियल में। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सारी अपडेट्स की हेडलाइंस बताना चाहूंगा। हेडलाइंस कुछ इस तरह से होंगे कि रेलवे की पहली आइसोलेशन ट्रेन तैनात कर दी गई है मरीजों की इलाज के लिए। साथ ही एयरटेल और अमेजन दोनों साथ मिलकर तैयारी में है कुछ धमाकेदार करने की। और साथ में बात करेंगे गाड़ियों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट, यानी कि आप अगर गाड़ी खरीदते हो और आपकी गाड़ी में कोई खराबी आती है तो यहाँ पे कंपनी सिर्फ सर्विस आपको नहीं देगी बल्कि कंपनी को जुर्माना भी देना पड़ेगा अगर गाड़ियों में कुछ खराबी होती है। तो साथ ही दोस्तों बात करेंगे एक इंसानों से की गई एक दर्दनाक एक बेजुबान जानवर की मौत का कांड, जिसके बाद अब बहुत से खुलासे हो रहे हैं जिनको सुनकर आप चौंक जरूर जाओगे, आपको शर्म आएगी एक इंसान की ऐसी करतूत पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है किसी तरह की और जानकारियों के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज की पहली अपडेट है इंडियन रेल के डिब्बों को आइसोलेशन कोच में कन्वर्ट कर दिया गया था। ऐसे में ये कोच अब तैयार है मरीजों की इलाज के लिए। लेकिन यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ जो है सामान्य मरीजों का ही इलाज हो पाएगा। कुछ सीरियस कंडीशन में अगर कोई मरीज है तो यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। पहली गाड़ी जो है दिल्ली सकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर खड़ा किया गया है। इसके एक कोच के अंदर 16 मरीजों का इलाज हो सकता है। उस हिसाब से एक गाड़ी में 10 डिब्बे हैं कोविड-19 के, तो 160 मरीजों का यहां पे इलाज हो सकता है। साथ ही इसमें 3 ऐसे कोचेस है जो कि नर्सेस और डॉक्टर्स के लिए रहने का इंतजाम इसमें किया गया है। केंद्र सरकार ने भारत के 215 रेलवे स्टेशनों पर इन गाड़ियों को तैनात करने का एक प्लान भी बनाया है। जरूरत के हिसाब से इन गाड़ियों को रेलवे स्टेशनों पर भेज दिया जाएगा जहां मरीजों की इलाज हो पाएगी। दोस्तों, अगली अपडेट है एयरटेल और अमेजोन यहाँ दोनों साथ मिल रहे। साथ मिलने का मतलब दोनों कंपनी मर्ज नहीं हो रही है बल्कि यहाँ पे अमेजोन जो है कुछ हिस्सेदारी एयरटेल में ले रही है, जैसे कि कहा गया है। ये गुप्त सूत्रों से सिर्फ पता चला है, अब तक ये पक्की खबर नहीं है। लेकिन एयरटेल ने इसको लेकर के मना भी नहीं किया है, यानी कि ये रकम है $2 अरब, यानी कि 15,109 करोड़ रुपए की एक डील होने वाली है दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी के लिए। यानी कि अमेजोन अपने $2 अरब एयरटेल में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है, जब भी दो लोगों की लड़ाई होती है तो वहाँ तीसरा जो है तीसरे को फायदा होता है। जाहिर सी बात है, हमेशा इतिहास भी आप देख लो, पन्ने पलट के ऐसा ही कुछ हुआ है, अब भी वैसा ही कुछ चल रहा है। अभी देखिए, यहाँ पे सब जो पहले कुछ प्लान्स चल रहे थे वो तो चल ही रहे थे, अब यहाँ पे एयरटेल और अमेजोन जब दोनों साथ में हो गए, जाहिर सी बात है कुछ बड़ा यहाँ पे होने वाला है। और बड़ा होगा तो किसके खिलाफ जाएगा? जाहिर सी बात है वो जियो या बाकी के जो टेलीकॉम कंपनीज है उनके खिलाफ जाएगा। अब यहाँ जो भी कुछ होगा, ये दो लोग हैं और तीसरे कौन है? तीसरे है हम सब, यानी कि पब्लिक, यानी कि हम सब यूजर्स। जी हाँ दोस्तों, दो कंपनी लड़ेगी तो इसका असर जो है सीधा सीधा हमें देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या कुछ फायदा होता है। इंतजार में है एयरटेल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट या फिर अमेजोन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। दोस्तों, आज का अगला अपडेट है वाहन, यानी कि गाड़ियों से जुड़े या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े। जैसे कि आने वाले वक्त में ड्राइविंग लाइसेंस और नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम बदल सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए मिले प्रस्ताव पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि संशोधन की प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी कर ली जाए। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया है, वो भी दोबारा। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन में प्रस्ताव के मुताबिक अगर किसी वाहन में खराबी होती है तो वाहन बनाने वाली कंपनी पर जुर्माने बढ़ाया जा सकता है। इस जुर्माने को कंपनी पर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच रखने का प्रस्ताव है। हालांकि ये जुर्माना गाड़ियों के प्रकार और खराब वाहनों की संख्या पर निर्भर करेगा। जैसे कि एक गाड़ी खराब है या फिर इस सीरीज में ही ये प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से वो डिपेंड करता है कि कितना जुर्माना कंपनी को यहाँ देना पड़ेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन के प्रस्तावों पर सभी हितधारकों से फिर से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की है। इसमें नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन, पुराने वाहनों को वापस बुलाने और ड्राइविंग लाइसेंस पर सुझाव मांगे गए हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले सरकार ने इस नोटिफिकेशन को 18 मार्च को जारी किया था, इसलिए मैंने कहा ये दोबारा हुआ है। मतलब कि सरकार ने 3 महीने के भीतर दूसरी बार नोटिफिकेशन जारी किया है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, मामला यहाँ
गंभीर है। फिर जो भी हो देखते हैं क्या होता है, क्या कुछ अपडेट आती है, जैसे इस बारे में दूसरी अपडेट आएगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों अगली खबर सुनकर आपको तकलीफ नहीं बल्कि बहुत तकलीफ होने वाली है। दरअसल बात है केरल के पल्लकड़ में विस्फोटक से भरे अनानास खिलाए जाने के बाद एक हथिनी की मौत पर पूरे देश में आक्रोश है। निनु हथनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो कहा है वो काफ़ी दर्दनाक है। हथनी के मुंह में विस्फोट होने की वजह से वो काफ़ी तकलीफ में थी, साथ ही अपनी मौत से पहले 14 दिनों से कुछ भी उसने नहीं खाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दौरान वो कुछ भी खा पी नहीं सकती थी। पानी में जाने से पहले भूख प्यास से परेशान होकर उसने गाँव के कई चक्कर लगाए थे। एक अधिकारी के मुताबिक घायल होने के बावजूद भी, ज़्यादा तकलीफ में होने के बावजूद भी उसने किसी को नुकसान तक नहीं पहुंचाया, किसी के घर को नहीं कुचला। यहाँ पे एक हथनी आती है भूख प्यास से तड़पते हुए, उससे कुछ दिखता है कि भाई यहाँ पे जो है मेरा भूख या मेरे बच्चे को, क्योंकि उसकी पेट में नवजात बच्चा भी था, तो वो अपने बच्चे की भूख या अपनी भूख मिटाने के लिए खाने के लिए उस चीज़ की तरफ दौड़ती है। पता चला उसे जैसे ही उसने मुंह में लिया वो मुंह के अंदर ब्लास्ट हो गया। दोस्तों टेक्नोलॉजी की बात हमेशा होती है और होती रहेगी। आज के इस एपिसोड में मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप इस हथनी के लिए क्या सोचते हो, क्या सोच रखते हो, क्या विचार है आपका, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलता हूँ, फिर मिलूँगा एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।